ध्यान से सभी लोग ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है किसी को, पहले समझ लो उसके बाद लिखो, ठीक। क्या बताने जा रहे हैं पहले समझ तो लो, फटाफट नोट करने से कोई फायदा नहीं है। हम आज बताएंगे के कहाँ साइलेंट हो जाता है, ठीक है। के कहाँ साइलेंट हो जाता है, साइलेंट मीन्स वो लिखा है लेकिन हम उसको बोलते नहीं है, ठीक। जैसे किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद तुरंत के लिखा है, उसके बाद एन लिखा है, क्या लिखा है, एन, के बाद तुरंत एन लिखा है और उसके बाद कोई वावेल, वावेल मीन्स क्या होता है, वावेल कितने होते हैं, पांच। वावेल मीन्स क्या होता है तो ये भी जान लो, स्वर है ना, तो कितने होते हैं, पांच। कौन से, उसकी हिंदी भी जान लो, ठीक है। वावेल कितने होते हैं, पांच। कंसोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं और टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। 26 में से जब हमारे पांच वावेल निकल जाएंगे तो जो बचेंगे वह क्या होंगे, कंसोनेंट होंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर के बाद यन आ जाए और यन के बाद वावेल कोई भी वर्ड आ जाए उन पांच में से, तो क्या होता है, वहां ज्यादातर के का उच्चारण नहीं किया जाता, ठीक। फिर से समझो, कोई भी स्पेलिंग लिखी है, के से शुरू है, ठीक, उसके बाद एन आ गया, उसके बाद कोई वावेल, वावेल हमारे पांच हैं, कितने हैं, पांच, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से एन के बाद कुछ भी लिख गया, ठीक है, तो जब वह हम पढ़ेंगे तो के साइलेंट हो जाता है, के को नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं, समझ गए मेरी बात, ध्यान में रहेगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने देखो लिखे हैं, ध्यान से देखो, के एन आई आ गया, के एन ओ, के एन आई, के एन ओ, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखो के एन आई जी एच टी, तो इसको हम नाइट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नाइट। इसमें मैंने क नाइट लिखा, लिखना तो हमें क चाहिए ना, के है तो, लेकिन ये साइलेंट के हो गया, क्या हो गया, के एन ओ डब्ल्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, नो नो। अब बेटा तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि क्यों इसको हम नो पढ़े और इसको क्या पढ़ेंगे, नाइफ, क्या पढ़ेंगे, नाइफ, और इसको क्या पढ़ेंगे, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, स्पेलिंग सब याद कर लेना, ठीक है। नॉलेज, क्या, नॉलेज, जिसकी जरूरत सबको है, ठीक, बाद अगर कोई भी वावेल शब्द आ जाता है तो के साइलेंट हो जाता है, समझ में आ गया बोलोगे नहीं, अब इसको नोट कर लो, या बहुत ज्यादा शब्द, इसके बहुत